कहिएगा ना संभाल के, इट्स वेरी पेनफुल और बच्चा है। डोंट वरी मैम। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं भी टैटू करा लूं। श्योर मैम, व्हाई नॉट? आजकल सोसाइटी में सब लेडीज करवाती है अपने पार्टनर का नाम एक्सेट्रा। ओ वाह लवली, जैसे आपके हाथ पे टैटू है। ओह थैंक यू, द पोजीशनिंग इज परफेक्ट, यहाँ पर सही रहेगा। आप डिजाइन चूज कर लीजिए। श्योर। मुझे लगता है कि पम्मी आके ना जनरेटर की पीठ पे भी डांस कर ले। वो तो न्यूज़ पे भी कर लेगी। ऐसे ये भंगड़ा डाल दी थी या गिद्दा पारी थी? मेरे फ्रेंड तो मजाक उड़ा रहे हैं, तुसी की कर रहे थी? ये देखो जरा। इशिता आदि के लिए भी पैनकेक्स ले आओ। पापा इशमा बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाती है ना? हाँ बेटा, शुगर है पैनकेक में, सांभर मसाला नहीं डाला उसमें। इशिता तुम्हें क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं आदि के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। नहीं लेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन बनाना चाहती हो तो बना लो। मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। नहीं नहीं, दैट्स अ गुड थॉट। मैं माँ और बेटे के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बेटे पे प्यार बरसाएं। बनाइए ना। इट्स ओके। इशिता वहां से तेल देना। तेल हाँ, here we go. Thank you so much. देख ना, ठीक है ना? इतना सही तेल ना? मेरे टैटू से परेशान हो गई, अभी तो शुरुआत है शीता। नया टैटू बनवाया शगुन, कूल, इट्स रियली नाइस। किसी को दिखाया नहीं? अरे ऐसे होता है क्या, टैटूज ना सबको दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। रमन, रमन आपने देखा, शगुन ने नया टैटू बनवाया है। मम्मी जी पापा जी, हमारे घर में नया डेवलपमेंट हुआ है, देखी तो जरा। दिखाओ दिखाओ, सबको दिखाओ। पापा जी आइए, देखिए ना, आर विद अ हार्ट। रमन देखिए, न्यू टैटू आर। रूही आज आपको बुआ स्कूल छोड़ेंगी। चलो। ओके सिमी बुआ। चलो। ओए क्यों बनाया तूने ये? शगुन ने क्या नाटक लगा के तुम्हें? बताओ, क्योंकि आर से तो शगुन शुरू नहीं होता है, फिर कैसे? आप सबको एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आर फॉर रमन नहीं, आर फॉर रूही, मेरी बेटी का टैटू कराया। अच्छा? है ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम्हें आर का टैटू करवाना पड़ा? मैंने अभी नहीं कराया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में कराया। तुम्हें तो पता है कि वहां पर टैटूज का कितना क्रेज है। एंड कम ऑन, आई वाज मिसिंग रूही, मेरी बेटी, तो मैंने टैटू करा लिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? शगुन सुनो ना, अगर हमें बेटी हुई ना तो हम उसका नाम रूही रखेंगे, आर से रूही, आर से रमन, है ना? जो चाहे रख देना। I understand, तुम थक जाती हो ना, इसलिए तुम्हारा मूड खराब है। Sleep, I'm tired. अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो। क्या है? तुम्हें टैटू करवाओ ना। टैटू? हाँ, याद है जब हम गोवा गए थे हनीमून पे, तुम्हें कितना मन था, तो एक टैटू करवाओ ना, आर, आर फॉर रमन, और अगर बेटी हुई तो फिर आर फॉर रूही। Please, yeah, it's very painful. वो पहले का टाइम अलग था, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। अच्छा लेकिन मेरी बात तो सुनो। Please, yeah. तकलीफ क्यों नहीं होगी?
याददाश्त कमजोर है तुम्हारी? इसी रूही के पैदा होने से पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि टैटू करवा लो, आर का, आर फॉर रमन, आर फॉर रूही। तब क्या कहा था? बहुत दर्द होता है, वक्त और है। हां, आई एम टायर्ड, आई एम टू स्लीप। अब क्या हो गया? इट्स ओके ना रमन, छोड़िए ना। शकुन को आ रहा होगा प्यार अचानक से रूही पे, हो रहा होगा ऐसा। क्या होता ना, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। हमारी शकुन भी बदल गई। इट्स ओके, इट्स जस्ट सो मी। बड़ी ड्रामा क्वीन है ये औरत। मैंने आदि का ख्याल ना होता ना तो मैं मेहर के घर से कभी भी इसको नहीं लेके आती। जाने दो। सोचने की बात है शकुन, जो रूही हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी आज तक तो उसकी याद नहीं आई, और अचानक उसकी याद में हार वाला टैटू बना लिया। अजीब अजीब चीजें हो रही है। कल तुम चाहती थी कि मैं लोहड़ी की पूजा में शामिल ना हूं, और आज ये टैटू। काफी बदलाव हो रहे हैं, तुम पर काफी ध्यान देना पड़ेगा अब। देख, कूल है ना? वाव, पर तुझे दर्द नहीं हुआ? थोड़ा हुआ था, बट इतना चलता है स्टाइल के लिए। अमेजिंग यार। अच्छा चल, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, बाय। मामा, मुझे टैटू करवाना है। टैटू? क्यों? रोहन ने भी करवाया, बहुत कूल है। मामा प्लीज प्लीज। आदि, बच्चे टैटू नहीं करवाते ना, इट्स वेरी पेनफुल। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? नो बेटा, अब मेरी हर बात मानते हो तो इस बार क्यों नहीं? प्लीज मुझे टैटू करवाने दो ना मामा। टैटू? टैटू कौन करवा रहा है? तुम्हारी बुक्स? मैं करवा रहा हूं। नहीं आदि, टैटू में बहुत दर्द होता है बेटा, यू आर वेरी स्मॉल राइट नाउ, टैटू नहीं। सारे फ्रेंड्स ने करवाया, वो भी तो मेरे ही एज के। उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया होगा, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। हर बात में जिद नहीं करते। ओके, चलो पापा का फोन आ रहा है। नो टैटू? हां शकुन, नो टैटू फॉर इट। मम्मा, वो कहते हैं कि मुझसे बहुत प्यार करते, पर मेरी एक भी विश पूरी नहीं करते। दिस इज नॉट फेयर, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। जी ऐसा नहीं बोलते। तुझे टैटू चाहिए ना? ठीक है, मैं करवाऊंगी तेरा टैटू। नहीं नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं। अम्मा, you are the best। अच्छा, जाके रेडी हो जा। अभी? अभी? सच्ची? यस, सच्ची। शीता, इस लोरी पे तो तुमने रमन पे अपना हक जता दिया, लेकिन मैं भी रमन का पास्ट हूँ। उस पे ऐसा हक दिखाऊंगी कि तुम भी याद रखोगी। रमन, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि शगुन हमारे रिश्ते को चैलेंज कर रही है, टेस्ट कर रही है हमारे रिलेशनशिप को। लेकिन हमारा रिश्ता रमन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन सब चीजों से काफी परे है, और हमारे बीच में किसी दूसरे के आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुम ये इंटेलिजेंट बातें कहां से रट के आती हो? जहां से आप अपनी गंदी वाली लाइनें रट के आते हो। सिर्फ तुम और मैं। एक शर्त है मेरी। आप मुझे पंडारा रोड की दाल मखनी खिलवाओगे? ओए होए मद्रासन, सांभर छुक्या दाल मखनी। हाँ डन, चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। रमन, बहुत मुश्किलों से बना ये रिश्ता हमारा, मैं शगुन को तोड़ने नहीं दूंगी ये रिश्ता। आई प्रॉमिस।